हेलो एवरीवन, दिस इज एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9, चैप्टर ट्राइंगल्स मैथ्स. ओके, क्वेश्चन इज गिवन इन ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ओके, क्या है हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी. वो कैसा है? वो आइसोसेलस है. ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं गिवन है, नहीं तो मोस्टली में डायग्राम गिवन होता है, इसमें हम खुद बनाएंगे. ओके, ए बी सी सपोज आइसोसेलस ट्राइंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी. आगे बोला उसने द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट ओ. बी का बाइसेक्टर सपोज करते हैं ये ऐसे जाएगा, सी का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा. दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? ओ पर मिल रहे हैं. ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन भी कर दिया. दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी. ओ बी और ओ सी को इक्वल करना है, और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. ये जो एंगल ए है यहाँ पर कंप्लीट, और ये ए ओ उसको हाफ हाफ करता जा रहा है. आपको ये प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, देख लीजिए. अगर हम इसको ए बी सी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लेके चलें, ठीक है, या फिर अगर हम आप इसको देख रहे हो ए ओ बी और ओ सी इक्वल लाने के लिए, अगर आप सोचोगे कि ऊपर वाले दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर लें तो ओ बी और ओ सी, क्योंकि उसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? चेक करते हैं. ए बी और ए सी गिवन है, 1, ए ओ ए ओ कॉमन भी हो गई, 2 हो गई. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, बाकी थर्ड नहीं है हमारे पास. तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्वर्ट करने से फर्स्ट रिजल्ट नहीं बनेगा. तो किस तरीके से बनेगा? सेकंड कुछ मेथड ढूंढना पड़ेगा हमें. आइए सॉल्यूशन. बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी तो था, गिवन था. ठीक है, ये क्या है? गिवन है. जब ये गिवन है सो इट इज इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा. ठीक है, आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इफ टू साइड्स आर इक्वल सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. यूक्लिड एक्सियम है ऐसा हमारे पास में. ठीक है, अगर कोई दो एंगल पूरे कंप्लीट इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होता है. अब जब ये दोनों एंगल हाफ इक्वल है, एंगल आ गए, ठीक है, हाफ का मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया. ठीक है, कंप्लीट आपस में इक्वल थे तो हाफ हाफ भी इक्वल आ गया. जब ये इक्वल आ गया तो यहाँ से एक रिजल्ट आ सकता है. ठीक है, एंगल्स आर इक्वल सो साइड्स आर इक्वल, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ. क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये प्रॉपर्टी हमारे पास, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. ठीक है, आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो इक्वल है. ठीक है, इसका कन्वर्स क्या है? इफ एंगल्स आर इक्वल तो उनके अपोजिट में जो साइड होगी वो इक्वल होगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा इस प्रॉपर्टी से हो गया. पहले ये साइड इक्वल थी तो ये वाला एंगल इक्वल है, जब ये एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल हुआ, और हाफ एंगल कौन सा है? नीचे वाला है. ये नीचे वाला एंगल इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट वाली साइड बी और सी ओ ये भी इक्वल हो जाएगी. क्लियर? सेकेंड पार्ट, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. ये वाला पार्ट हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट से. अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बाइसेक्टर हो जाएगा. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दो ट्राइंगल को कॉन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के तो इक्वल है ही. ठीक है, और ए ओ मेरे पास में पहले से ही था कॉमन, और बी ओ और सी ओ अभी अभी प्रूव किया है हमने बाय पार्ट फर्स्ट. दिस इज गिवन, दिस इज कॉमन, एंड दिस इज बाई पार्ट फर्स्ट. तो ये तीनों की तीनों क्या है? साइड है. ठीक है, तो बाई एस 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 रूल, एस 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 रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी व्हेन टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ बाइसेक्ट, इट्स मीन्स ए ओ बाइसेक्ट एंगल. ओके, क्लियर? दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, वन ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन. ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी. ओके, ए सी एंड ए बी पर जो एल्टीट्यूड है ये क्या है? आर इक्वल. इट्स मीन्स दैट जो एल्टीट्यूड की जो लेंथ है
बी ई और सी एफ आपस में इक्वल है। आपने शो करना है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, ए बी ई यानी कि ये अपर पार्ट और ए सी एफ ये अपर पार्ट दोनों कॉन्ग्रुएंट करना है और ए बी इक्वल टू ए सी दिखाना है। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो सेकेंड तो हमारा हो ही जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई ए बी ई अपर पार्ट एंड ए सी एफ ये भी अपर पार्ट है, दोनों अपर पार्ट को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब दोनों अपर पार्ट के लिए देख लीजिए इस वाले पोर्शन को जब आप देखोगे, सो इस वाले में और इस वाले में एंगल ए आपको नजर आ रहा है दोनों में है, तो एंगल ए हो गया कॉमन एक। फिर दोनों में इस वाले में भी 90, जब इधर 90 तो वहां 90 होगा, और इस वाले में भी क्या है यहाँ 90 तो यहाँ 90 हो, दो 90 हो गए, यानी कि दो एंगल मिल चुके हैं हमें। तो डबल एंगल वाला कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, दो एंगल हो गए। अब देख लीजिए एक साइड हमारे पास है क्या, हाँ हाँ उसने कहा था कि एल्टीट्यूड आर इक्वल, एल्टीट्यूड कौन सा है जी बी ई और सी एफ। अब ये जो साइड है ये एंगल के बीच में आ रही है या बाद में आ रही है, चेक कर लीजिए, दिस इज एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहाँ पर ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल एंगल और बाद में साइड आ रही है, तो ए ए एस हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ। अब इसको लिख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, दोनों में एंगल ए कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले के लिए भी। फिर यहाँ पर कौन सा है 90, ठीक है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए बी इसके लिए 90 और वहां पर ए एफ सी पीच 90, दोनों के दोनों 90 है, और एक उसने कहा था बी ई इज इक्वल टू सी एफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, सो बाई ए ए एस रूल, एंगल एंगल साइड रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ए बी और ए सी इन्हीं का पार्ट है, बाई सी पी सी टी वी कैन से ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर।